एट होम। बदलते मौसम में त्वचा का पीएच असंतुलित हो जाता है, इसके कारण त्वचा बेजान दिखने लगती है। वही चमकदार रंग पाने के लिए हर बार आप स्पा का रोक करें जरूरी नहीं। अपनी त्वचा में निखार पाने के लिए आप घर में रहते हुए भी फेशियल कर सकती है। फेशियल से चेहरे को कई तरह के फायदे मिलते हैं। फेशियल से स्किन को डीप क्लीन किया जाता है, जिससे त्वचा में चमक वापस लौट कर आती है। साथ ही फेशियल करने के सही स्टेप भी आपको पता होना जरूरी है। गंदगी, तेल और मेकअप को हटाने के लिए अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करके अपना DIY फेशियल शुरू करें। अपनी त्वचा के प्रकार के हिसाब से सौम्य क्लींजर चुनें। आप कच्चे दूध की मदद से भी चेहरे को साफ कर सकती है। इसके अलावा बेसन, कच्चा दूध और गुलाब जल को मिलाकर घरेलू क्लींजर बनाकर चेहरे को साफ करें। डेड स्किन सेल्स को हटाएं। एक्सफोलिएशन आपकी डेड स्किन को हटाने में मदद कर सकता है। इससे एक नई और जवा त्वचा मिलती है। चीनी, शहद और नींबू के रस जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके अपना एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बनाएं। इन सामग्री को एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर धीरे धीरे इसे अपने चेहरे पर ऊपर की ओर गोलाकार गति में मालिश करें। चेहरे को मसाज करें। एलोवेरा जेल लेकर चेहरे पर 1-2 मिनट के लिए मसाज करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी त्वचा में नमी को बनाए रखते हैं, जिसे त्वचा ग्लो करने के साथ साथ लंबे समय तक जवा बनी रहती है। शाहनाज हुसैन ने बताया घरेलू चीज़ों से फेशियल कैसे करें। स्टीम ले। अपने चेहरे को भाप देने से रोम छिद्रों खुलने में मदद मिलती है और आपकी त्वचा गहरी सफाई और उपचार के लिए तैयार होती है। एक बड़े बर्तन में पानी उबालें। अब एक सीमित दूरी पर अपने चेहरे को कटोरे के ऊपर रखकर तौलिया से सिर को ढक ले। 5-10 मिनट के लिए भाप को अपनी त्वचा में प्रवेश करने दे। फिर अपने चेहरे को तौलिया से थपथपाकर सुखा ले। क्या आप डार्क सर्कल को छिपा छिपा कर थक गए हैं? अपनाए शाहनाज हुसैन के बताए घरेलू नुस्खे। आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं दूर। चेहरे पर घरेलू मास्क लगाए। सुनहरी चमक के लिए हल्दी, दही, शहद और एवोकाडो जैसे चीज़ों को चुने। हल्दी त्वचा को चमकदार बनाती है और सूजन को कम करती है, जबकि दही और शहद हाइड्रेट और आराम पहुंचाते हैं। एवोकाडो एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण और पुनर्जीवित करता है। किसी भी सामग्री को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर समान रूप से लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद फ्रूट मास्क से कर सकते हैं फेशियल। आप केले, सेब, पपीते और संतरे के रस को एक साथ कटोरी में डालकर अच्छी तरह से मैश करें। यह फल त्वचा को टाइट करने के साथ डीप क्लीन करते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन सी से भरपूर ये फल त्वचा को इंस्टेंस ग्लो भी प्रदान करते हैं। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 30 मिनट
के लिए छोड़ दे और फिर पानी से चेहरे को धो। टोनर लगाए। मास्क हटाने के बाद पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए और छिद्रों को कसने के लिए अपनी त्वचा को टोन करना महत्वपूर्ण है। गुलाब जल एक सौम्य टोनर है जो त्वचा को हाइड्रेट करता है। एक कॉटन पैड पर गुलाब जल लगाए और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाए, फिर इसे हवा में सूखने दे। चेहरे पर लगाए सीरम अपनी त्वचा को हाइड्रेट और चमकदार बनाए रखने के लिए विटामिन सी युक्त सीरम लगाए। अपनी उंगलियों से चेहरे और गर्दन पर ऊपर की ओर धीरे धीरे मालिश करें। आप सिर्फ एलोवेरा जेल लगाकर भी यह स्टेप पूरा कर सकते हैं। गैस, अगर वीडियो मेरा थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गैस, फिर मिलता हूँ मैं अपना अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।